एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स हिस्ट्री का चैप्टर द वैदिक सिविलाइजेशन ये चैप्टर दो पार्ट्स में मैंने पढ़ाने का प्लान किया था फर्स्ट पार्ट अर्ली वैदिक पीरियड और सेकेंड पार्ट लेटर वैदिक पीरियड जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का अर्ली वैदिक पीरियड उसकी जो वीडियो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है तो आप वो जाके चैनल पर चेक कर सकते हैं इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में ठीक है सो नाउ विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो अब ये थोड़ा सा मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा जो पिछला हमने पढ़ा था उससे आप कनेक्ट कर पाओ ठीक है तो लेटर वैदिक पीरियड जो है इट इज़ बेसिकली पोस्ट वैदिक पीरियड भी इसको कहा जाता है कुछ कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार और ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें एशियंट इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया फॉर इंस्टेंस जो अर्ली वैदिक पीरियड था वहाँ पे जो वुमेन थी उनकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था लेकिन जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आया वैसे वैसे जो वमेन की पोजीशन थी ओवर द टाइम वो डिक्लाइन हो गई और अगर हम देखें तो काफ़ी समय तक यही पोजीशन रही वुमेन की पोजीशन डिक्लाइन ही रही है इंडियन सोसाइटी में एंशियट पीरियड्स में ठीक है तो एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया ना सिर्फ सोशल बल्कि रिलीजियस और कल्चरल फील्ड में भी ऑफ एशियन इंडिया ठीक है तो ये थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहती थी और इस पीरियड में ये भी देखा गया कि जो आर्यन सोसाइटी है उसमें जो कंसोलिडेशन था आर्यन का वो देखा गया नए नए सोशल स्ट्रक्चर्स कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ और अलग ही फिलोसॉफिकल और रिलीजियस आउटलुक लोगों का एक डेवलप हुआ ठीक है दिस वॉज द बैकग्राउंड ओवरव्यू जो आपकी बुक में डायरेक्टली नहीं दिया गया बट आई थॉट कि इससे आपका जो एक कॉन्सेप्ट है द टॉपिक वो बिल्ड हो जाएगा सो दैट्स आई दिस विद यू विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स जो आपकी बुक में कंटेंट है तो जो पीरियड था 1000 BCE से लेके, 600 BCE के बीच का उसे कहा जाता है लेटर वेदिक पीरियड ठीक है जो बाकी तीन लेटर वेदास थे जब भी हम अर्ली वेदिक पीरियड की बात करते हैं तो अर्ली वेदिक पीरियड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द वेदा ठीक है चार वेदा थे ना ऋग्वेदा यजुर्वेदा अथर्व वेदा समावेदा तो उसमें जो रिग वेदा है उसको हमेशा एसोसिएट करते हैं अर्ली वेदिक से और जो बाकी के तीन वेदाश थे यजुर्वेदा समावेदा और अथर्ववेदा ये जो बाकी थ्री लेटर वेदाश थे और इनको एसोसिएट हमेशा किया जाता है लेटर वेदिक पीरियड से क्योंकि ये तीनों लेटर वेदास हमें बहुत ज़्यादा यू नो दे आर एक्चुअली द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दिस पीरियड ठीक है और हमें इस पीरियड के बारे में और कहाँ से पता चलता है ब्राह्मणाज उपनिषद रामायण और महाभारत से एंड द पुरानाज ठीक है ये जो आ, पांच चीज़ें हैं यहाँ से हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड जो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ये बाकी के तीन लेटर वेदाज हैं ठीक है मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज अबाउट द की डेवलपमेंट्स ठीक है तो जो लेटर वैदिक पीरियड उसमें कौन कौन से डेवलपमेंट देखेंगे टू मेजर डेवलपमेंट्स टू की डेवलपमेंट्स वो सीन विच वॉज आयरन एज और डिस्कवरी ऑफ आयरन एक्चुअली ठीक है और सेकेंड वो शिफ्ट इन सेटलमेंट तो जो लेटर वैदिक टेक्सट हैं वो रेफर करते हैं यूज ऑफ श्याम अयास और ब्लैक मटी मेटल ठीक है जिससे हिस्टोरियंस ये बिलीव करने लगे हैं कि जो आयरन है लेटर वैदिक पीरियड में वो यूज होने लगा था शिफ्ट इन सेटलमेंट आर्यस जो हैं उन्होंने उनका जो बेस था अर्ली वैदिक पीरियड में वो कहाँ पे था सप्त सिंधु में ब्रह्मवर्ता जिसको उन्होंने नाम दिया था उससे उन्होंने शिफ्ट कर लिया टू तो दी गैंगेटिक वैली और उसको उन्होंने नाम दे दिया आर्यवर्ता ठीक है सप्त सिंधु इनका कहाँ पे बेस था ऋग समय में या फिर अर्ली वैदिक Early Vedic society में, early Vedic age में, का Vedic में। ठीक है। बेस कब बना? पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज राइज ऑफ किंगडम्स किंगशिप जो है वो अब ट्राइबल नहीं रहेगी थी प्रॉपर किंग्स होने लगे थे और हेरिटेटरी uh, होती थी किंगशिप ठीक है तो एज में क्या होता था कि किंग्स जो थे वो छोटे छोड़ छोटे एरियाज में रूल करते थे लेकिन अब सेवरल किंगडम्स स्टैब्लिश हो गए थे और किंग्स जो हैं वो टेरिट्रीज पे अब रूल किया करते थे किंगशिप लेटर वैदिक पीरियड में हेरिडेट्री हो गई थी वो डिफरेंसेस हम डिस्कस करेंगे बाद में ठीक है शिफ्ट इन पावर डायनेमिक्स कहने का मतलब जो सभा एंड समिति थी उनकी जो इंपॉर्टेंस थी देखो अर्ली वैदिक पीरियड में सभा और समिति व मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में उनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो कहीं ना कहीं खो गई थी और जो किंग था जो राजा था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया था किंगशिप हेरिडिट्री बन गई थी टोल्ड यू जो एरिडे सन जो होता था राजा का वो यूजुअली उसको सक्सीड करता था उसकी डेथ के बाद वो टेक ओवर करता था ठीक है थ्रोन को जो किंग्स थे वो लॉफ्टी uh, टाइटल्स जैसे कि अधिराज और सम्राट जैसे जो टाइटल्स हैं उसको अडॉप्ट करते थे जो राजा लोग होते थे ठीक है अधिराज और सम्राट ये नाम आपको अच्छे से याद करना इनको लॉफ्टी टाइटल्स कहा जाता है ठीक है uh, जो ये राजा लोग होते थे ये साक्रीफाइजेज भी परफॉर्म करते थे जैसे कि राजा सुया और अश्वमेधा ये दो सेक्रीफाइजेज थे ठीक है राजा सुया जो साक्रीफाइज थी आई शो यू यहाँ पे लिखा हुआ है राजा सोया जो ये सेक्रीफाइस थी दिस वॉज यूज टू कॉन्फोर सुप्रीम पावर ऑन देम खुद पर सुप्रीम पावर कॉन्फोर करने के लिए ये सेक्रीफाइस करी जाती थी और जो अश्वमेधा सेक्रीफाइस थी ये एक फॉर्म ऑफ हॉर्स सेक्रीफाइस थी ताकि जो रूलर है वो दूसरी टेरिटरी पे अपनी जो अथॉरिटी है वो assert कर पाए ठीक है वॉलेंट्री ट्रिब्यूट्स की जगह पे जो वॉल्ट्री ट्रिब्यूट मतलब जो मन किया तो ट्रिब्यूट दे दी वरना नहीं दिया उसकी जगह पे ये होता था वॉलंट्री ट्रिब्यूट का जो सिस्टम था दैट वाज फॉलोड इन दी अर्ली वैदिक पीरियड लेटर वैदिक पीरियड में अब क्या होने लगा कि जो लोग थे वो रेगुलर टैक्सेस देने लगे राजा को जो राजा था उसकी अभी भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी किंग uh, की जो राजा की जो पावर थी जैसे जैसी बढ़ती गई और जैसे uh, जो एक्सपेंशन था टेरिटो टेरिटोरियल बाउंड्रीज का वो बढ़ता गया वैसे वैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एलैबोरेट होता गया सो एज एंड वेन द पावर ऑफ द किंग इंक्रीज एंड द एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज इंक्रीज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो ग्रो एलेबोरेट उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करना पड़ा क्योंकि इफ़ द देखो uh, अगर एरिया ज़्यादा गवर्न करना है तो डेफिनेटली हमें एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा एक्सपैंड करना ही पड़ेगा पुरोहित के साथ साथ सेनानी ग्रामीण ऑफ द रिग वेदिक एज और बाकी ऑफिसर्स जैसे कि अमत्याज आ, जो थे वो भी किंग को हेल्प करते थे इन कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज़ जो ये ऑफिसर्स थे ये कहाँ से कैसे मेंटेन करते थे मतलब इनको सैलरी कैसे देते थे जो लोगों से टैक्सेस कलेक्ट होते थे उसके थ्रू उन टैक्सेस के थ्रू इन ऑफिसर्स को मेंटेन किया जाता था तो नेक्स्ट टॉपिक वेट वी हैव इज सोशल लाइफ जो फैमिली सिस्टम है जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो कंटिन्यू हुआ ठीक है जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो पहले भी था और अभी भी चलता रहा लेटर वे पीरियड में कंटिन्यू हुआ जो मेल्स थे फैमिली में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और जो फीमेल्स की पोजिशन थी पोजिशन जो ऑफ वुमेन डिक्लाइन कर गई वो समिति मीटिंग्स में अब पार्टिसिपेट नहीं करती थी और जो लोग हैं वो एक बेटे की पैदाइश पे बेटे के जन्म पे बहुत ज़्यादा खुश होते थे उसे वेलकम करते थे वुमेन की पोजीशन डिक्लाइन हो गई जॉइंट फैमिली सिस्टम कंटिन्यू हुआ और जो मेल्स थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे दिस इज ऑल दैट यू नीड तो टू स्टडी इन फैमिली सिस्टम ठीक है अगला टॉपिक हमारे पास है रिलीजियस लाइफ तो जो ऋगवेदिक एज के जो गॉड्स थे जो भगवान थे ऋगवेदिक एज में जिनको वर्शिप किया जाता था उनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो कम हो गई ब्रह्मा प्रजापति विष्णु और शिवा जो है ये इंपॉर्टेंट हो गए ब्रह्मा जो है उनको वर्शिप करने लगे हम द हम नहीं सॉरी जो लेटर वेदिक के जो लोग थे वो ब्रह्मा को वर्शिप करने लगे एज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड विष्णु को एज द प्रिजर्वर ऑफ द वर्ल्ड और शिवा को एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड ठीक है जो लोग थे वो एलैबोरेट रिचुअल्स परफॉर्म करने लगे और एनिमल सेक्रीफाइजेस करने लगे जैसे कि अभी हमने राजा के बारे में पढ़ा था राजा सुया और अश्वमेधा सेक्रीफाइजेस परफॉर्म करते थे वैसे जो नॉर्मल कॉमन पीपल थे वो भी एलैबोरेट रिचुअल्स और एनिमल सेक्रीफाइजेस करने लगे थे ताकि जो गॉड्स हैं वो उनसे प्रसन्न हो जाएं उनसे प्लीज हो जाएं जो किड्स थे सॉरी जो किंग्स थे वो लार्ज कम्युनिटी सैक्रीफाइजिज करते थे द नेक्स्ट इज द यूज़ ऑफ आयरन जो लेटर वैदिक टेक्सट हैं वो रेफर करते हैं यूज ऑफ श्याम अयास और ब्लैक मेटल जिससे ये हिस्टोरियंस मानते हैं कि आयरन इस पीरियड में यूज होने लगा था दिस आई टोल्ड यू ऑलरेडी ठीक है एंड लेट सी वॉट नेक्स्ट वी हैव राइज ऑफ किंगशिप भीटवीन ऑलीवेदिक एंड लेटर वैदिक यहाँ पे दिया गया है आपको ऋग वैदिक एज का और यहाँ पे लेटर वैदिक एज का बट ये सब मैंने आपको बता दिया है सो आई नॉट गो विद देम अगैन लेट्स सी वॉट एल्स डू वी हैव ठीक है द फर्स्ट थिंग दट कम्स फ्रॉम योर बुक इज अबाउट द कास्ट सिस्टम अब जो फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन था रेदिक ऋग सोसाइटी का वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया था इस समय में बहुत ज़्यादा यू नो स्ट्रिक्ट हो गया था और ऋग्वेदिक सोसाइटी इज नथिंग बट जब हम ऋग्वेदिक सोसाइटी कहते हैं हमारा मतलब होता है हम बात कर रहे होते हैं उस वक्त अर्ली वैदिक सोसाइटी की ठीक है जो अर्ली वैदिक सोसाइटी का जो फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन था वो लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा यू नो रिजिड हो गया यानी बहुत ज़्यादा टफ हो गया और कह सकते एक तरह से स्टर्न हो गया और वो चेंज होने को ईजी नहीं था चेंज ईजिली नहीं हो सकता था फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी कम हो गई थी उसमें अब जो अब ऐसा क्या हुआ था एग्जैक्टली exactly करा जाए बात तो अब इंसान की जो कास्ट थी वो डिसाइड होती थी कि वो कहाँ पे उस इंसान का जन्म हुआ है उसके बेसिस पे उस इंसान की कास्ट का डिसीजन होता था ऑक्यूपेशन ऑफ अ पर्सन जो था वो भी कास्ट से ही डिसाइड होता था जिस कास्ट में उसका जन्म होता था कि देखो अब जहाँ पे भी जन्म हुआ है उसके बेसिस पे उसकी कास्ट डिसाइड हुई और कास्ट के बेसिस पे उसकी ऑक्यूपेशन डिसाइड होता था अब जो इंसान था वो ना ही अपना कास्ट बदल सकता था और ना ही ऑक्यूपेशन और ये ऐसा इस जो था इसीलिए हम कहते हैं कि जो लेटर वेदिक पीरियड था ये बहुत ज्यादा रिजिड था ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में ठीक है नाउ वी कम टू सोशल सेग्रीगेशन अब जो लोग थे डिफरेंट कास्ट और वर्ना के वन थिंग मोर काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन देखा गया नॉट जस्ट इन क्लास सिक्स बट ऑल्सो इन क्लास नाइन्थ कि एग्जाम में आता है डिस्क्राइब द वर्ण सिस्टम ऑफ द वैदिक पीपल और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं अभी आप आगे पढ़ोगे मैं आपको पढ़ाऊंगी इसी वीडियो में आश्रम का टॉपिक बच्चे कन्फ्यूज होकर वर्णास में आश्रम का टॉपिक लिखाते हैं विच इज़ रॉन्ग जब भी वर्णा की बात होती है जो यहाँ पे लिखा इसको है इसको वर्णास कहते हैं ठीक है इसकी जब भी बात होती है वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द कास्ट सिस्टम ठीक है ये बात याद रखना अब जो अलग अलग कास्ट के या फिर अलग अलग वर्णास के जो लोग थे उनको एनकरेज नहीं किया जाता था इंटरमिंगल करने के लिए यानी उनको अलग अलग रखा जाता था और इस वजह से जो सोसाइटी थी वो दो मेन ग्रुप्स में डिवाइडेड थी एक ग्रुप था ब्राह्मण्स और क्षत्रियास का ठीक है और जो ब्राह्मण्स और क्षत्रियास थे ये रूलिंग क्लास थे और Uh, जो दूसरा ग्रुप था दैट वॉज वैश्याज एंड शूद्राज और जो वैश्यज एंड शूद्राज थे इन पर रूल किया जाता था तो ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियाज व द रूलिंग क्लासेस एंड द वैश्याज एंड शूद्राज व द रूल्ड उन पर रूल करते थे ठीक है एक नोटेबल फीचर देखा जाता है इस पीरियड का कि जब जो ब्राह्मणस थे वो समय के साथ में पावर गेन करते गए वहीं पे जो शूद्रास की पोजीशन है वो डिक्लाइन करती गई तो एक तरह से अगर मैथमेटिकली इसको मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसको हम कह सकते हैं कि दोनों की जो पोजीशन थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी आई नो दिस साउंड स्टूपिड बट लाइक सीरियसली इफ यू पे अटेंशन क्योंकि जो ब्राह्मण्स थे वो जैसे जैसे उनकी पावर राइज होती गई वैसे वैसे जो शूद्रास हैं उनकी पावर डिक्लाइन होती गई ठीक है नाउ आई कम टू फोर आश्रम्स इससे भी क्वेश्चंस मोस्टली आता है एग्जाम में या तो वर्णा सिस्टम से वर्ण सिस्टम से या फिर फोर आश्रम से सो so, इसमें फर्स्ट आश्रम है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य एक वो स्टेज था इंसान की जिंदगी का जिसमें वो अपने गुरु से एजुकेशन रिसीव करता था यानी वो पढ़ने की उसकी उम्र थी और जो गुरु थे वो जो बच्चा था उसको अपने खुद के बच्चे की तरह ट्रीट करते थे जो बच्चा था वो एक गुरुकुल में जाता था और वहां पे तब तक रहता था जब तक उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती थी और ये गुरुकुल घर से मोस्टली काफी दूर हुआ करता था ठीक है नाउ वी कम टू द सेकेंड आश्रम विच इज गृहस्था गृहस्था वो स्टेज था जिसमें इंसान जो है शादी करके एक फैमिली लाइफ गुजारता है और ही गेट्स मैरिड एंड किड्स ठीक अब थर्ड आश्रम इज वनाप्रस्था वना था वो आश्रम था वो स्टेज था जिंदगी का जब इंसान जो है वो वर्ल्डली लाइफ है जो न, दुनियादारी जो दुनियादारी होती है, वो छोड़ छाड़ के फॉरेस्ट में जाता था मेडिटेट करने ठीक है और जो भी फिलोसॉफिकल ज्ञान होता था वो प्राप्त करता था वो गेन करता था जो सन्यास था ये लास्ट आश्रम था ये वो स्टेज ऑफ लाइफ था जिसमें इंसान कुछ छोड़ देता था अब देखो वना में क्या सब छोड़ छाड़ के वर्ल्डली लाइफ को छोड़ा था इन्होंने और ये फॉरेस्ट जाते थे लोग ठीक संन्यास में क्या था सब कुछ है छोड़ दिया था एवरीथिंग और एक जगह से दूसरी जगह वॉन्डर करते थे और लोगों को लाइफ की हाइयर वैल्यूज को प्रीच करते थे प्रीच करना मतलब समझाते थे या फिर एक्सप्लेन करते थे ठीक है नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जो ये ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें जो इंसान है वो कैसे रहता था और क्या क्या उसमें होता था उसमें हमने एजुकेशन की थोड़ी सी बात की थी कि जो बच्चा होता था वो जाता था गुरुकुल में रहने अब विल टॉक अबाउट दिस सिस्टम ऑफ़ एजुकेशन इन डिटेल थोड़ा सा ठीक है तो देखो अगर गुरुकुल रेसिडेंस की बात की जाए तो जो आर थे वो अपने बेटों को जो सन्स होते थे उनको गुरुकुल भेजते थे गुरुकुल वॉज नथिंग बट द रेसिडेंस ऑफ द टीचर जो उनके गुरु थे टीचर कौन थे गुरु थे जो गुरु थे उनके जो घर था उनका जो रेसिडेंस यानी जहाँ पे वो रहते थे उसको कहा जाता था गुरुकुल ठीक है और जो अपने बेटे होते थे आर के उनको वो भेजते थे गुरु के घर पे रहने के लिए विच इज कॉल्ड गुरुकुल अब यहाँ पे जो पीपल्स थे यानी जो स्टूडेंट्स uh, थे जो बच्चे थे वो गुरु के फैमिली के मेंबर की तरह रहते थे जैसे मैंने बताया था कि जो गुरु होता था वो अपने बच्चे की तरह उस स्टूडेंट को ट्रीट करते थे तो जो पीपल्स थे वहाँ पे एग्जैक्टली exactly रहते थे एज द मेम्बर्स ऑफ द गुरुज फैमिली बच्चे वहाँ पे क्या क्या पढ़ते थे जो पीपल्स होते थे वो वहाँ पे पढ़ते थे वेदाज सब्जेक्ट्स जैसे कि लॉजिक मैथमेटिक्स ग्रामर मेडिसिन चारों सब्जेक्ट याद कर लेना ठीक है नाउ वी कम टू एजुकेशन का मोड क्या था और इम्पैक्ट होता था ठीक है ऑफेंद इज अ क्वेस् इन द एग्जाम्स की जो प्रजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें कोई सिमिलैरिटी बताओ या डिफरेंसेज बताओ ठीक है प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन और ग्रुपल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में तो इफ़ आई टॉक अबाउट द डिफरेंस वेरी फर्स्ट वन इज आज के समय में ये ज़रूरी नहीं है मतलब कुछ लोग बोर्डिंग स्कूल में जाके रहते हैं बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि इंसा जो इंसान है वो कहीं यू नो लाइक गुरुकुल में जाकर रहे वो नॉर्मली रोज स्कूल से घर आके घर से स्कूल जा सकता है पहली चीज़ ठीक है दूसरा चीज़ जो करिकुलम है उसमें उस चेंज आया है आज के समय में हम वेदाज नहीं पढ़ रहे होते स्कूल में थर्ड चीज़ एजुकेशन जो है उस वक्त पे ओरली इम्पार्ट होती थी यानी कोई रिटर्न बुक्स नहीं थी रिटर्न टेक्स्ट अवेलेबल नहीं था और आज के समय में अवेलेबल है अनदर थिंग उस वक्त जो प्यूपिल होता था वो गुरु दक्षिणा देता था या फिर फीस देता था अकॉर्डिंग टू हिज केपेबिलिटी और आज के समय में एक फिक्स्ड होता है ठीक है आ, पहले कोई फिक्स्ड करिकुलम आज सच नहीं होता था फिक्स टाइम ऑफ एडमिशन नहीं होता था आज के समय में होता है इफ आई टॉक अबाउट सिमिलैरिटी या रुको वन थिंग अनदर क्वेश्चन कि एडवांटेज क्या था इस सिस्टम का उस समय में गुरु का जो था एक महत्व जो था वो आज के समय से बहुत ज्यादा था ठीक है तो दिस इज वन थिंग नाउ वी कम टू गुरु दक्षिणा का टॉपिक तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाते हुए बताया कि पढ़ाई खत्म होने पे हर जो प्यूपिल होता था वो गुरु दक्षिणा या फिर फीस देता था गुरु को अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी इट इज टू बी रिमेंबर्ड रिमेम्बर्ड गुरुकुल एजुकेशन वॉज कंफाइंड टू दी अपर थ्री वर्णा गुरुकुलर थ्री वर्ण ही ले सकते थे, upper three varnas कौन से थे? Brahmans, जो शूदराज थे उनको अलाउ नहीं किया गया था एजुकेशन रिसीव करने के लिए नॉ कम कम टू इकोनॉमिक लाइफ तो जो आर एंस थे वो समय के साथ साथ एक सेटल लाइफ जीना शुरू कर गए और एग्रीकल्चर जो था लेटर विदिक पीरियड में ये मेन ऑक्यूपेशन बन गया लोगों का बारने के साथ साथ जो लोग हैं वो राइस और वीट भी आ, कल्टिवेट करने लगे दे ऑल्सो बिगान टू यूज आयरन वो आयरन जो मेटल है इसका यूज करने लगे टू मेक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स इम्प्लीमेंट्स मतलब एग्रीकल्चरल टूल्स ठीक है एग्रीकल्चर को और एनहैंस करने के लिए जो टूल्स थे वो बनाने लगे आयरन का यूज करके और इससे क्या हुआ इससे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया तो इफ द क्वेश्चन अराइज इज टू इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन इट इज दैट दे डिस्कवर्ड आयरन और आयरन से वो एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स यानी एग्रीकल्चरल टूल्स बनाने लगे थे लेटर वैदिक पीरियड में वन थिंग इज टू बी आयरन वॉज डिस्कवर्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड ठीक है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स काऊ और हॉर्स के साथ साथ लोग जो हैं वो डॉग शीप और गोट को भी डोमेस्टिकेट करने लगे थे Now we come to Main आपको क्या बताया uh, मैंने बताया था एग्रीकल्चर ठीक है ट्रेडिशनलेशक्यूपेशन जैसे की weaving, making, और इस समय में भी चले वीविंग पोट्री मेकिंग एंड टैनिंग कंटिन्यूड इन दिस पीरियड फिर आजा न्यू प्रोफेशन कौन से थे लेटर वेदिक टेक्स मैंशन करते हैं न्यू प्रोफेशन को जैसे कि ज्वेलर डायर लेदर वर्कर एंड आयरन स्मेथ ठीक है कुछ कुछ वर्ड पीपीटी uh, में रिपीट हो गए सो जस्ट इग्नोर दैट लेटर वैदिक टेक्स नए प्रोफेशन के बारे में भी बात करते हैं प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन आर द सेम थिंग मोरलेस समीज कौन कौन से नए प्रोफेशन थे लेटर वैदिक पीरियड में जो अर्ली वैदिक यानी अर्गवैदिक एज में नहीं थे ज्वेलर डायर लेदर वर्कर एंड आयरन स्मेथ बार्टर सिस्टम पर हैप्स यानी मोस्ट प्रोबेबली जो लोग थे वो एक दूसरे से बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रेड करते थे द एंड ऑफ पीरियड, जो ये वैदिक पीरियड था उसका एंड कैसे हुआ वैदिक पीरियड जो है अराउंड 600 हंड्रेड के एंड हुआ जब बिग टेरिटोरियल यूनिट्स जो हैं, जिनको जनपद कहा जाता है वो फॉर्म हुई थी जो ट्राइबल सेटअप था आर का उसने एक रास्ता दिया टू द फॉर्मेशन ऑफ मोनार्कीज़ तो अभी इस वक्त आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक टेबल की जो टेबल है ये आप लोगों की बुक में भी दी गई है दिस टेबल इज अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द अर्ली वैदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड इसमें देखो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था जो किंगशिप थी वो हेरिडेट्री नहीं थी यानी जो राजा जरूरी नहीं कि जो करंट किंग है उसकी डेथ पर उसका जो बेटा है वही राजा बने कोई और भी बन सकता था तो एक तरह से वो इनहेरिट नहीं करता था वो हेरिडेट्री नहीं था लेकिन इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हुआ लेटर वैदिक पीरियड में किंगशिप हेरिडिट्री थी यानी अगर जो फिलहाल प्रेजेंट किंग uh, है उसकी डेथ पर उसका बेटा ही बनेगा इवन दो इफ ही इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग द किंग ठीक है तो हेरिडिट्री हो गई थी किंगशिप ये फर्स्ट पॉइंट हो गया सेकेंड पॉइंट सभा और समिति जो ये दो असेंबलीज uh, थी अर्ली वैदिक पीरियड की ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती थी इम्पॉर्टेंस रखती थी इन दी अर्ली वैदिक पीरियड लेटर वैदिक पीरियड में इनकी जो इम्पोर्टेंस uh, थी वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी सोसाइटी जो है अर्ली वैदिक पीरियड में चार ग्रुप्स पे डिवाइडेड थी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन लेटर वैदिक पीरियड में क्या था कि जो कास्ट थी वो बर्थ पे डिसाइडेड डिपेंडेंट uh, थी बर्थ पे बेस्ड थी और कास्ट के बेस्ड पे ऑक्यूपेशन था तो काफ़ी यू नो स्कैटर्ड प्रोसेस हो गया था कास्ट डिविजन का लेटर वैदिक पीरियड में और वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया था रिमेंबर दिस की वर्ड जब भी हम लेटर वैदिक पीरियड में कास्ट की सिस्टम की बात करते हैं वी ऑलवेज यूज़ द वर्ड दैट इट वॉज़ रिजिड ठीक है जो समिति मीटिंग्स थी अर्ली वैदिक पीरियड में उसमें जो फीमेल थी जो वुमेन थी वो पार्टिसिपेट करती थी और वहीं पे लेटर वैदिक पीरियड में उनको अलाउड नहीं था कि वो किसी भी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करें एंड उनकी जो पोजिशन थी वुमेन की वो भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गई थी लेटर वैदिक पीरियड में रिलीजन जो है अर्ली वैदिक पीरियड में काफ़ी ज़्यादा सिंपल था और लेटर वैदिक पीरियड में रिलीजन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था और बहुत ज़्यादा इलेबोरेट यू नो रिचुअल्स वगैरह होने लगे थे फॉलो कैटल रियरिंग जो है और एग्रीकल्चर है ये अर्ली वैदिक पीरियड का मेन ऑक्यूपेशंस थे वहीं पर लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर जैसा कि मैंने आपको बताया वो मेन ऑक्यूपेशन था ठीक है दैट सेट फॉर दिस वीडियो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा इफ़ यू हैव एनी डाउट यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो इफ यू वॉन्ट एनी वीडियो ऑफ क्लास सिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री एंड जोग्राफी एंड इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फोर यू दैन डू गिव विद हम सब शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बब बाय एंड टेक केयर आई एल सी यू सून माई नेक्स्ट वीडियो children keep learning and keep exploring bye-bye and take care